दोस्तों एक बार फिर से नया टॉपिक आ गया है, बोर्ड मास। किसके साथ? फ्रैक्शंस के साथ बोर्ड मास आ गया है। आज हम फ्रैक्शंस में बोर्ड मास सीखेंगे, कैसे आप इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करें। वेलकम बैक, आपका स्वागत है माइंड मेकर क्लासेस के चैनल पे। और आप यहाँ पे आज फ्रैक्शंस में बोर्ड मास करने वाले हैं मेरे साथ, और विद इन वन मिनट, विद इन 30 सेकेंड इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे। नोट मोर देन वन मिनट, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ओके, जादुई टेक्निक लगा दो जी, फटाफट क्या करना है देखिए। 8 × 2 = 16 और 5 = 21, 21/8, 21/8 हो गया। और ये फ्रैक्शन सबसे पहले, ये मिक्स फ्रैक्शन जो आपको गिवन है, इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे ही आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये बन गया 21/8। अब 4 × 1 = 4 और 3 = 7, 4 × 1 = 4 + 3 = 7, ये बन रहा है 7/4। लेकिन यहां पे डिवीजन साइन है, मेरा बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास आपका कहता है कि ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट है नहीं यहां पे, उसके बाद ओ भी नहीं है यहां पे, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, डिवीजन है जी यहां पे। अब फ्रैक्शंस में डिवीजन को कैसे सोल्व करेंगे आप? डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, और उसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन जाएगा 4/7 और +3/5। अब उसके बाद आता है जी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई सोल्व करो, तो इसको मल्टीप्लाई को सोल्व कर दो, मल्टीप्लाई में क्रॉस में कैंसिल कर दो, 4 × 1 = 4, 2 × 7 = 7, 3 × ये फ्रैक्शन आपका बन गया यहाँ पे 3/2 ओनली, बिकॉज यहां तो 1 और 1 ही बच गया। अब हम यहां पे 3/5 के साथ एडिशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे HCF 1 है, तो LCM आपके पास 10 आ गया, और 15 + 6 और 21/10 आपके पास आंसर आ गया। आंसर अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 10 × 2 = 20 और 1/10 आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए विद इन वन मिनट आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। यहां पे आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट पहले हो जाएगा, पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसको आप कन्वर्ट करिए, 7 × 2 = 14 और 3 = 17/7 डिवाइड करना है आपको, किसको? इस ब्रैकेट में जो वैल्यू बनेगी उसको डिवाइड, उससे डिवाइड कर देना है इसको। तो पहले आप इसको सोल्व कर दीजिएगा, 2 × 2 और 1 = 3, 3/2 हो गया, 2 × 2 + 1 = 3/2, ओके, +7 × 7 + 2 = 9/7। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए, बहुत ही आसान सा काम आपके पास आ जाएगा और ये फ्रैक्शन सिंपलीफाई हो जाएगा। अब यहां पे फिर से एचसीएफ 1 है, देखिए यहां पे क्या था, 5 और 2 का एचसीएफ 1 होता है, 5 और 2 का एचसीएफ 1 होता है, तो एलसीएम क्या हो गया, उन दोनों की प्रोडक्ट हो गया। मैंने क्या किया, 5 × 10 नीचे लिखा और 5 × 3 = 15 यहां लिखा, 3 × 6 यहां लिखा, खत्म काम। यही यहां पे करना है, दोनों का एचसीएफ 1 है, तो आपका ये मेथड शॉर्टेस्ट रहता है। 7 × 14 यहां लिखें और 7 × 3 = 21 यहां लिखें और जमा 9 × 18 यहां लिखें, काम खत्म हो गया। ओके, तो देखिएगा 17/7 अब डिवाइड करना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो यहां जो अंदर फ्रैक्शन बन रहा है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो 14 आपका ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 9 × 3 = 39 बन गया, इन दोनों को प्लस करोगे 39 बन गया। 7 × 1 = 7, 2 × 14, 17 × 34 = 39 आपका आंसर आ गया, 34/39 आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखिएगा कैसे आप सोल्व करेंगे। यहां पे फिर से मिक्स फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई और डिवाइड ओनली है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है आप यहां पे। इस बार थोड़ा सा काम आपका और आसान हो गया, 5 × 5 = 3 = 8, 5 × 5 = 3 = 8/5 गुना 7 × 14 = 15/7, राइट और नॉट, 7 × 14 = 7, 2 × 14 = 15/7। और इस वाले फ्रैक्शन का क्या करना है जी, मल्टीप्लाई साइन, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां पे जैसे ही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उसके राइट में जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है क्विकली। अब देखिएगा सब कुछ मल्टीप्लाई में है, अब तो आपको काटा पीटी करना है बस, 5 × 1 = 5, 3 × 15, 8 × 8 खत्म हो गया, 7 × 7 = 7, 7/5 = 35। देखिए ऊपर क्या बचा मेरे पास, ऊपर मेरे पास 135, नीचे मेरे पास 111, तो 1 × 1 × 1 डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, ऊपर मेरे पास 3 × 5 = 15 बच गया, विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर आ गया, खत्म। आपको इतना कुछ
एक विद इन 1 सेकेंड 30 सेकेंड में भी कर देंगे आप कुछ क्वेश्चंस को। देखिएगा फिर से मिक्स फ्रैक्शन आपके पास, चेंज करिएगा इम्प्रोपर फ्रैक्शन में। 9 × 2 = 18 और 4 = 22 बटे 9, 9 × 2 = 18 + 4 = 22/9 इंटू 5 × 5 + 4 = 9/5 आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट दोनों डिवीजन है, मल्टीप्लाई में दोनों को चेंज कर दीजिए साथ साथ एक ही स्टेप में। 3 × 3 = 9 + 2 = 11 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3/11 हो जाएगा जी, ये 11/3 बन रहा है यहाँ पे, वो 3/11 हो जाएगा क्योंकि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। नेक्स्ट में भी आप ऐसे करें, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, 5 × 5 = 5 और 1 = 6/5 बन रहा है, इसको 5/6 लिख दूंगा मैं, पलट दूंगा इसको भी, राइट। अब देखिएगा सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो दूर दूर तक भी हम काट सकते हैं, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से भी काट सकते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 11 × 11 = 11, 11 × 2 = 22 ये भी कैंसिल हो गया, 3 × 3 = 3, 2 = 6 ये भी कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस वाले 2 को भी कट कर देगा बिल्कुल। देखिए आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 1 कुछ नहीं बचा आपके पास, 1/1 यानी कि 1 आपका आंसर हो गया, तो बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नोट द लिस्ट, क्योंकि इसके बाद की वीडियो का भी आपको इंतजार रहेगा और मुझे भी इंतजार रहेगा कि मैं आप मेरे प्यारे दोस्तों को एक और वीडियो दे पाऊं, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर वीडियो आपको दे पाऊं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को ही सोल्व कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करते हैं, राइट। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे ब्रैकेट यूज हो गया है, फिर से बी फॉर ब्रैकेट आप पहले सोल्व करेंगे। देखिएगा क्या करेंगे, 5 × 5 = 6/5 ये हो गया, जमा 3 × 3 = 4/3 ये हो गया आपके पास। अगर अंग्रेजी में बात करूं तो 5 × 5 = 1 6/5 हो गया, आप कैसे भी समझ लीजिए दोनों ही सेम बातें हैं, ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आपको हिंदी में भी आना चाहिए, हिंदी आपका सब्जेक्ट भी होता है, मेरे देश की भाषा है हिंदी, जय हिंद जय भारत तो चलता ही रहता है सारा दिन। 7 × 14 = 15/2 ये हो गया, −3 × 9 = 10/3 ये आ गया आपके पास। तो हिंदी की जय बोलिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जरूर सीखिएगा हिंदी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडिशन करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। क्या बन जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों का HCF क्या है, दोनों ही जगह ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर में HCF 1 है। 5 × 3 = 15 मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 = 18 यहां कर दो और 5 × 20 यहां कर दो, काम खत्म हो गया। यहां पे देखिएगा 3 × 6 नीचे आ गया, 15 × 3 = 45 यहां पे आ गया, −10 × 20 यहां पे आ गया, काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप में यहां ले आता हूं, 18 + 20 क्या होगा, 20 + 18 हो जाएगा जी आपके पास 38, ये दोस्तों 38/15 हो गया, राइट। इनटू में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 45 − 20 = 45 − 20 करेंगे तो 25 आपके पास आएगा, 25/6 आपके पास आ गया। अब ऑलरेडी यहां डिवीजन साइन है, कुछ चेंज वेंज तो करना नहीं है, तो सिर्फ आप क्या करें, कट कर दें क्रॉस में या फिर मल्टीप्लाई कर दें। सो मेरा कट हो रहा है 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 कैंसिल हो गया 5 की टेबल से। अब यहां पे 2 से कैंसिल हो रहा है 19 × 2 = 38 19 × 2 = 30 होता है आपके पास, 38 × 2 = 6 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा मेरे पास, 19 × 5 और नीचे मेरे पास 3 × 3 ओनली, इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 19 × 5 = 95 और 3 × 3 = 9। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या रहेगा देख लो, आप बता देता हूं मैं डिटेल से। जो ऊपर नंबर है उसको डिवाइड करते हैं नीचे वाले नंबर से, ठीक है। यहां पे आता है क्वेश्चन, यहां पे आता है रिमाइंडर और यहां तो 9 एज इट इज आता है आपका डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं। बस इस फॉर्मूले को रख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर और जो पहले नीचे बैठा था वो तो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली इसका, 9 × 1 = 9, 5 रिमाइंडर आएगा, टेबल नहीं जा रहा, ऊपर 0 लग गया, यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो जाती है, 0 तो लगाते नहीं है बच्चे, ओनली 1 लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 10 whole 5/9, 5 रिमाइंडर है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है। मैं क्यों डिटेल से बता रहा हूँ, इस 0 की वजह से डिटेल से बता रहा हूँ, 0 नहीं लगाते हैं पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है, राइट।
अब देखिए यहां पे इसको क्रॉस चेक करना है आपको। बच्चे गलती से लिख देते हैं वन होल फाइव बाई नाइन। अब वन होल फाइव बाई नाइन को आप इम प्रॉपर में चेंज करके देखिए, क्या वो 95 बाई नाइन बन रहा है क्या? 9 बन जा, 9 प्लस 5 14 बटे 9, ये तो 14 बटे 9 बन रहा है भाई। 95 बाई 5 कहां बन गया? तो इसका मतलब ये आएगा 10 होल 5 बाई 9, 10 गुना 9 95, 95 95 बटे 9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पे ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाली मिस्टेक मत करिएगा, जीरो वाली। अक्सर ऐसे क्वेश्चन प्लान किए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे भी इंतजार है, आपको इंतजार रहेगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, बहुत ही जल्दी।